हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, टुडे वी विल सी हाउ वी कैन हैंडल एक्सेप्शन इन जावा। तो जावा में एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए बेसिकली पांच कीवर्ड्स बताए गए हैं। सबसे पहला है ट्राई कीवर्ड, देन कैच, फाइनली थ्रो कीवर्ड एंड थ्रोस कीवर्ड। वी विल सी ईच ऑफ द कीवर्ड वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे ट्राई कैच ब्लॉक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। सो अ ट्राई कैच ब्लॉक कंटेन्स रिस्की कोड इन द ट्राई ब्लॉक एंड द कोरिस्पॉन्डिंग कोड टू हैंडल द एक्सेप्शन इन द कैच ब्लॉक। तो जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। अगर एक ही प्रोग्राम है मेरे पास, इस प्रोग्राम में मैंने क्या लिखा है, एक क्लास बनाई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मैं क्या कर रहा हूँ, इंट आई इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 0। नाउ आई नो दैट दिस लाइन विल थ्रो एन एरर और एक्सेप्शन, बिकॉज 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर रिस्की कोड को हैंडल नहीं किया था इस प्रोग्राम में, तो क्या होगा, इससे अब JVM हैंडल करेगा एंड योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट एबनॉर्मली और विदाउट शोइंग एनी वार्निंग मैसेज, जो कि सही नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे तो इस प्रोग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं। ये जो आपका रिस्की कोड है, दैट इज इंट आई इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 0, ये रिस्की कोड आपका ट्राई ब्लॉक के अंदर आना चाहिए। देखते हैं कैसे लिखते हैं इसे। पूरा प्रोग्राम सेम लिखेंगे हम, क्लास एक्सेप्ट वन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब इसके बाद आपको देखना है कि ये जो मेरा रिस्की कोड है ये ट्राई ब्लॉक के अंदर आना चाहिए। तो स्टार्ट ट्राई ब्लॉक, पुट द रिस्की कोड इन द ट्राई ब्लॉक एंड क्लोज द ट्राई ब्लॉक। अब ट्राई ब्लॉक के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट होती है वो होती है आपकी कैच ब्लॉक की। उसको कैसे लिखते हैं सिमिलरली, देखिए एक बार। कैच, कैच के अंदर एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, जो एक्सेप्शन आपको कैच करनी है। तो यहां पे मुझे पता है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो होगी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो यहां पे आप एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या उसके ऑब्जेक्ट का वेरिएबल पास करेंगे। सपोज मैंने पास किया यहाँ पे ई, क्लियर ना। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो आप प्रिंट करा सकते हैं डायरेक्ट ई ट्राई ब्लॉक कैच ब्लॉक। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, सपोज आफ्टर ट्राई कैच, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि आपका कोड कहाँ तक पहुँचा है सही। इसे बंद किया, इसे बंद किया। अब देखिए इस प्रोग्राम में क्या होगा। सपोज आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, आपने कंपाइल किया इसे, जब रन करेंगे, अब ट्राई ब्लॉक के अंदर रिस्की कोड है और इसको हम बोल देते हैं प्रोटेक्टेड कोड भी। जो भी कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर होता है उसे हम प्रोटेक्टेड कोड भी बोल देते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा ये, इट थ्रोज एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप अरिथमेटिक। उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को कैच स्टेटमेंट कॉट करती है। तो वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट किसके अंदर पास हो गया, अब ई के अंदर, जो यहाँ से थ्रो हुआ था वो ई के अंदर पास हो गया। हमने उस मैसेज को यहाँ पे प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से,
और उसके बाद हमने चेक किया कि एक्सेप्शन के बाद भी मेरा कोड सही चल रहा है, अगर एक्सेप्शन के बाद भी चलना चाहिए मेरा कोड तो ये लाइन भी प्रिंट होगी। तो अब इसमें आपका आउटपुट क्या आएगा, मैं पूरा आउटपुट लिख देता हूँ इसका जो आएगा आपका। ये तो एक्सेप्शन का नाम हो गया, ये उसकी डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद ये प्रिंट होगा। इसका क्या मतलब है आपका कि एक्सेप्शन आई, उस एक्सेप्शन को हैंडल किया यहाँ पे हमने ट्राई कैच से, और उसके बाद भी आपका जो प्रोग्राम है वो नॉर्मली रन कर रहा है, तो ये मैसेज उसके बाद भी प्रिंट हुआ। दिस इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। नाउ लेट सी हम अपनी कैच ब्लॉक में कितने डिफरेंट मेथड से एक्सेप्शन को प्रिंट कर सकते हैं। बिफोर सीइंग द मेथड्स टू प्रिंट एक्सेप्शन इन्फॉर्मेशन, यू नीड टू नोट दिस थिंग दैट विद इन अ ट्राई ब्लॉक इफ एनीवेयर एन एक्सेप्शन अकर्स देन रेस्ट ऑफ द ट्राई ब्लॉक वॉन्ट बी एग्जीक्यूटेड इवन दो वी हैंडल दैट एक्सेप्शन। इसका क्या मतलब है, अगर सपोज आपका एक ट्राई ब्लॉक है और उसमें थ्री स्टेटमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, और स्टेटमेंट नंबर 2 पे कोई एक्सेप्शन आती है, देन एक्सेप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 वोंट बी एग्जीक्यूटेड इवन दो वी हैव हैंडल्ड एन एक्सेप्शन फॉर स्टेटमेंट 3 ऑल्सो, कि स्टेटमेंट 2 पे अगर एक्सेप्शन आ गई तो 3 भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, या उसके बाद की कोई सी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी विद इन अ ट्राई ब्लॉक। तो नॉर्मली हम ट्राई ब्लॉक में सिर्फ अपना वो कोड लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, एंड वी ट्राई टू मेंटेन ट्राई ब्लॉक लेंथ एज स्मॉल एज पॉसिबल। नाउ लेट्स सी द मेथड्स टू प्रिंट एक्सेप्शन इन्फॉर्मेशन। देर आर बेसिकली 3 मेथड्स दैट यू कैन यूज टू प्रिंट एक्सेप्शन इन्फॉर्मेशन। आपको इन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि इन तीनों में आउटपुट कैसा आएगा। तो सबसे पहला जो है वो है प्रिंट स्टैक ट्रेस। प्रिंट स्टैक ट्रेस को आप कैसे लिखेंगे, पहले तो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है सपोज ई, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। इसके अंदर जो एक्सेप्शन का इंफॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है दैट इट प्रिंट्स नेम ऑफ एक्सेप्शन, कोलन डिस्क्रिप्शन एंड दैट फॉलोड बाय स्टैक ट्रेस। क्लियर। नेक्स्ट इज टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग को लिखने के लिए कैसे लिखते हैं हम, ई डॉट टू स्ट्रिंग, और जो इसका स्ट्रक्चर है वो है नेम ऑफ एक्सेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। इट वॉन्ट प्रिंट स्टैक ट्रेस, स्टैक ट्रेस को ये प्रिंट नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट इज ई डॉट गेट मैसेज। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज ओनली डिस्क्रिप्शन, ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन को प्रिंट कर देता है, नो नेम एंड नो स्टैक ट्रेस। एंड यू नीड टू नोट दैट डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर इंटरनली यूजेस, डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर इंटरनली यूजेस प्रिंट स्टैक ट्रेस। अगर आप मेंशन नहीं करते हैं और सिंपल ई प्रिंट कराएंगे तो वो प्रिंट स्टैक ट्रेस को फॉलो करेगा। क्लियर। इन सब के डिफरेंस देखने के लिए आप एक प्रोग्राम लिखिए, एक डिवीजन बाय जीरो का सिंपल सा एक एरर जनरेट या एक्सेप्शन जनरेट कीजिए, और उस एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को इन तीनों मेथड से प्रिंट करके देखिए कि आपका आउटपुट क्या आता है।
देन यू विल गेट क्लियर आइडिया अबाउट द डिफरेंस इन द थ्री मैसेजेस दैट कैन थ्री मेथड्स दैट कैन यूज टू प्रिंट एक्सेप्शन इन्फॉर्मेशन. नाउ लेट्स सी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक एंड ऑल द थ्री मैथड्स ऑन द सिस्टम. विल सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक. जैसे पिछली क्लास हमने देखा था ये एग्जाम्पल में विदाउट यूजिंग ट्राई कैच JVM अपने आप एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा था. अब हम इस एक्सेप्शन को डिवाइड बाई जीरो वाली एक्सेप्शन को ट्राई कैच ब्लॉक की मदद से हैंडल करेंगे. तो लिखते हैं ट्राई कैच ब्लॉक. ट्राई कैच ब्लॉक के लिए अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि ट्राई ब्लॉक में आप सिर्फ वो स्टेटमेंट्स लिखिए जिसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं. तो इन तीनों स्टेटमेंट्स में एक्सेप्शन के चांस सिर्फ इस वाली स्टेटमेंट में हैं. तो इसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर डालेंगे. स्टेटमेंट को आप ट्राई ब्लॉक में डाल दीजिए. अब ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन आएगी तो वह एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसे थ्रो करेगा. उसे कैच करने के लिए कैच स्टेटमेंट और टाइप ऑफ एक्सेप्शन, जैसे हमें पता है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट. और इसमें हम प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करके. जो ऑब्जेक्ट आया है उसकी वैल्यू को अब देखते हैं इसे कंपाइल करके. देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन क्या थ्रो हुई है आपकी, जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो. बट अब एक्सेप्शन के बाद की जो स्टेटमेंट है डेट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वैल्यू ऑफ आई इज प्लस आई, वो भी एग्जीक्यूट हो रही है. इसका मतलब अब आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एक्सेप्शन के बाद की भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक. अब जैसे थ्योरी क्लास में हमने देखा था देर आर थ्री मेथड्स टू प्रिंट एक्सेप्शन इन्फॉर्मेशन इन योर प्रोग्राम. तो एक एक करके हम तीनों मेथड्स का देखते हैं, उनमें डिफरेंस क्या आता है वो पूरा देखते हैं. जैसे सबसे पहला जो मैंने कहा था मेथड है वो है आपका यूजिंग प्रिंट स्टैक ट्रेस. तो उसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस फंक्शन कॉल करना है. अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये आ रहा है आपका नेम ऑफ एक्सेप्शन स्टैक ट्रेस वाले मेथड से, डिस्क्रिप्शन और उसकी कंप्लीट स्टैक ट्रेस की कहां पे एक्सेप्शन अकर हुई है. ये आता है आपका प्रिंट स्टैक ट्रेस से. और सेकंड जो था उसमें था टू स्ट्रिंग मेथड जो डिस्प्ले करता है नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन. तो उसके लिए यहीं पे हम कॉल कर देंगे फंक्शन को. अब देखिए सिर्फ आपका क्या आ रहा है यहां पे टू स्ट्रिंग से नेम और डिस्क्रिप्शन, स्टैक ट्रेस इसमें से हट जाएगी टू स्ट्रिंग मेथड से. ऐसी एक और मेथड आपका गेट मैसेज, इसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन आएगी. देखिए अब यहां पे सिर्फ आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही है डेट इज डिवाइड बाय जीरो. सो इन दिस वे यू कैन यूज थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द एक्सेप्शन अकर्ड. सो अगर आपके एग्जाम में या इंटरव्यू में कभी पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू प्रिंट एक्सेप्शन इन्फॉर्मेशन, तो आपको ये तीनों मेथड्स और इनके डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए. अब इस प्रोग्राम को आप अपने सिस्टम पे एक बार रन करके कंपाइल करें और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें. इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर ट्यूटोरियल्स ऑन जावा एंड अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स.